तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12 हिंदी विषय के लिए व्याकरण देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आवेदन पत्र देखेंगे कि कौन कौन से आएंगे और जीवन परिचय कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा रस, छंद, अलंकार, निबंध और संदर्भ प्रशंसित व्याख्या आज हम यहां पर देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा ताकि आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अलंकार देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लें आप लोग, यहाँ से क्या पूछा गया है। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग संदेह अलंकार की परिभाषा को लिख लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा को लिख लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग विरोधाभास अलंकार की परिभाषा को याद कर लें, ये बिल्कुल आपसे इसी प्रकार से परीक्षा में पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लें। और इसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें जिसमें कि आपसे पूछा गया है व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा को लिख लें, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा सोटा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण से बतानी है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग सोटा छंद की परिभाषा को लिख लें और ये आपकी परिभाषा का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें इस प्रकार से। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा रुबाइया छंद की परिभाषा आपको बतानी उदाहरण से। तो यहाँ से आप सब लोग रुबाइया छंद की परिभाषा को लिख लें और अच्छे से याद भी कर लें ताकि आप सब लोगों को ये अच्छे से पूरा समझ में आ सके। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों कवित्त छंद की परिभाषा को लिख लें उदाहरण सहित ताकि आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से पूरा याद हो सके। देखो यहाँ से मैंने आप सब लोगों को कवित्त छंद की परिभाषा भी बता दी। और देखिएगा इसमें जो वर्ण लिखे गए ना, ये इनकी गिनती आपको नहीं लिखनी, केवल इतना ही लिख कर आना परीक्षाओं में, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है सवैया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सवैया छंद की परिभाषा को लिख लें और अच्छे से याद भी कर लेंगे ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। तो देखो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। तो अपने अभी तक अलंकार हो गए और छंद हो गए। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब आवेदन पत्रों को देख लें कौन कौन से आवेदन पत्र आपसे पूछे जाएंगे। तो एक तो ये वाला आवेदन पत्र जबलपुर नगर निगम के निगम आयुक्त को नियमित जलापूर्ति हेतु आवेदन पत्र आपको करना है, लिखना है। तो यहाँ से आप लोग इस आवेदन पत्र को देख ले पूरा। और उसके बाद में देखो अगला ये लिखा है आप नवीन कुमार आकाश नगर शाहपुर के निवासी है, आपके मोहल्ले में गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग आवेदन पत्र को देख ले पूरा और लिखना सीख लोगे यहाँ से पूरा इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो एक सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ से इस आवेदन पत्र को आप लोग देख लो पूरा का पूरा और इसको लिखना भी सीख लोगे इस प्रकार से। और उसके बाद में देखिएगा ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, ये भी आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा समझ भी लें ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। तो ऐसे आप लोग देख लो इसको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला क्वेश्चन वीर रस की परिभाषा बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग वीर रस की परिभाषा को लिख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। और उसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन में यहाँ से आपको बता दूं, तो देखो अगला क्वेश्चन आपका होगा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों श्रृंगार रस की परिभाषा को लिख लें उदाहरण सहित ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सको पूरा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं और आपके पेपर में आने वाले जीवन परिचय को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जीवन परिचय को देख लेंगे। जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तुलसीदास अथवा रघुवीर साय का काव्यगत परिचय निम्नलिखित के आधार पर दीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होगा कि जो कवि परिचय पूछे जाते हैं ना, उसमें आपसे काव्यगत परिचय पूछा जाता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लेना कि आपसे कवि परिचय पूछा गया है। तो देखो पहला क्या लिखा है, तुलसीदास जी का कवि परिचय। तो देखो जीवन परिचय वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसमें से कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें। और उसके अलावा देखिएगा ये रचनाएँ लिखी है और ये आपका भावपक्ष दिया गया है।
तो भाव पक्ष को भी कवर कर ले आप लोग ध्यान से। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कला पक्ष लिखा गया है और ये साहित्य में स्थान दिया गया है। तो ऐसे आप लोग यहाँ से तुलसीदास जी का जीवन परिचय नोट कर लें। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले जीवन परिचय को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस जीवन परिचय को भी नोट कर लें, जो कि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके अलावा भाव पक्ष इस प्रकार से यहाँ से आपको लिख लेना है। और इसके अलावा देखिएगा कला पक्ष इस प्रकार से आप लोग लिख लें, और कला पक्ष के बाद में हिंदी साहित्य में स्थान आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना है। तो यहाँ से आप सब लोग इस जीवन परिचय को नोट कर लो, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा एक लेखक परिचय में आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक परिचय याद कर लोगे, जिसमें कि यहाँ पर आपको दो रचनाएँ लिखी गई है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से याद कर लें। और इसके अलावा देखिएगा भाषा इस प्रकार से आपको याद कर लेनी पूरी, और इसके अलावा शैली यहाँ से आपको देख लेनी है, और साहित्य में स्थान यहाँ से आपको देख लेना है। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देख लें। यहाँ पर लिखा जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का जन्म, और इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है ये। और उसके अलावा देखिएगा यहाँ से आपको रचनाएँ लिख लेनी है। रचना के बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको भाषा लिख देनी है, और भाषा के बाद में देखिएगा यहाँ से आपको क्या शैली लिख देनी है, और शैली के बाद में यहाँ से आपको हिंदी साहित्य में स्थान लिख लेना है। तो ऐसे आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा, आपसे इसी प्रकार से परीक्षा में ये पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आप सभी को आपके पेपर का लगभग सॉल्यूशन दे दिया है। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए मैं आपको निबंध और बता देता हूँ कि निबंध कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा यहाँ से आप लोग देख ले विज्ञान के चमत्कार का निबंध, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ये आपका प्रस्तावना वाला पॉइंट लिखा है, इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लो। और उसके अलावा देखिएगा ये विज्ञान विद्युत के क्षेत्र वाला पॉइंट लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखिएगा ये शिक्षा के क्षेत्र वाला पॉइंट लिखा है, इस प्रकार से देख लें। ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र वाला पॉइंट लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका कृषि के क्षेत्र वाला पॉइंट लिखा है, ये यातायात के क्षेत्र वाला पॉइंट भी यहाँ पर आपको दिया गया है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, 7 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये आपका पॉइंट नंबर 8 ये लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। और उसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रदूषण का निबंध, ये यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप लोग देखते चले। प्रस्तावना वाला पॉइंट ये इस जगह पर आपको दिया गया है। और प्रस्तावना के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, प्रदूषण वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको लिखा, वायु प्रदूषण पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लोगे। और जल प्रदूषण वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है, मृदा प्रदूषण वाला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और ध्वनि प्रदूषण का पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके अलावा यहाँ से आप लोग इनको देख ले पूरा का पूरा और समझ भी ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को कक्षा 12 हिंदी विषय की पूरी ग्रामर कवर करवा दी है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा देख ले और अच्छे से याद भी कर ले, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी को कक्षा 12 के समस्त विषय उपलब्ध करवाए, तो वहाँ से एक बार आप लोग जरूर चेकआउट कर लें, ताकि आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर सको। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।